जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया। CISF जवानों को ताजमहल भ्रमण के टिकट दिखाने के बावजूद उन्हें भीतर जाने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि परमहंस आचार्य वही हैं जिन्होंने पूर्व में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी और मांग पूरी ना होने पर जल समाधि लेने की बात कही थी। ताजमहल में जगत गुरु परमहंस आचार्य को प्रवेश ना देने के कारण भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भगवा वस्त्र धारण करने और हाथ में ब्रह्मांड होने के चलते यह व्यवहार किया गया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य के साथ उनके कुछ शिष्य भी मौजूद थे जिन्होंने ताजमहल के भीतर प्रवेश का टिकट ले लिया था, लेकिन टिकट दिखाने के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद परमहंस आचार्य चुपचाप वहाँ से निकल कर वापस अयोध्या लौट आए हैं। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। ताजमहल में भगवा पहनकर एंट्री करने का मामला बुधवार सुबह से गरमाया हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने मामले पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। हिंदू महासभा के पदाधिकारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ASI ऑफिस पर पहुंचे और पुतला दहन करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिंदूवादियों को पुतला दहन करने से पहले ही रोक लिया। हिंदूवादी नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर आचार्य परमहंस मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर भगवा पहनकर ताजमहल पहुंचे और धनुष दंड लेकर ताजमहल में प्रवेश भी किया। गोविंद पाराशर का कहना है कि उन्हें पुलिस ने नहीं रोका, भगवा पहनकर उन्होंने ताजमहल का दीदार भी किया। देखिए जिस तरीके से इसको सत्ता की हनक कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री केसरिया भगवा पहनकर ताजमहल के अंदर तेजो महल के अंदर जा सकते हैं, जबकि हिंदू शिरोमणि अयोध्या के परमहंस जी को रोक दिया गया मात्र ये कहकर ये भगवा पहने इनके हाथ में जो भी सामान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों की जो पहचान होती है वो एक हाथ में कमंडल दूसरे हाथ में शस्त्र, इन दोनों को संत नहीं छोड़ सकता है। और जिस प्रकार से हिजाब पहनकर महिलाएं मुंह ढककर दर्शन कर सकती हैं तेजो महाले के, मुल्ला टोपी लगाकर वहाँ पर अपवित्र कर सकते हैं तेजो महाले को, तो एक संत समाज को रोकना काफ़ी कायरतापूर्वक है। और वहाँ पर उर्स हो सकता है, उसके अंदर बिरयानी खा सकते हैं, उसके अंदर सर्वत्र चल सकते हैं, उसके अंदर गिलास कटोरी चम्मच चक्कू जो भी वो अन्य चीज़ें ले आ सकते हैं, लेकिन संत समाज को मात्र ये कहकर केवल अपमानित करना है, हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना। आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला फूकने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन चूंकि कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहता है तो इसलिए उन्होंने पुतला हमसे छीन लिया। तहरीर भी दी, हम लोगों ने ASI के खिलाफ तहरीर दी है थाने रकाबगंज में। हम लोगों ने मांग करी है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज किया। FIR दर्ज अगर नहीं होती है तो हिंदू महासभा सनातन धर्म संत समाज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का भी आह्वान करता है।